राजकुमार राव ने शादी में पत्रलेखा के लिए गाया था ये गाना। बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस पत्रलेखा के साथ पिछले साल नवंबर में शादी की है। राजकुमार और पत्रलेखा के चंडीगढ़ में हुए शादी समारोह में परिवार के मेंबर्स और करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे। कपल ने शादी के पहले प्राइवेट एंगेजमेंट सेरेमनी और बाद में रिसेप्शन सेरेमनी की। एक्टर ने अपने रिसेप्शन का एक थ्रोबैक वीडियो भी शेयर किया है। राजकुमार राव ने ट्यूसडे को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है और इस वीडियो में वो अपने दोस्तों के साथ स्टेज से अपनी पत्नी पत्रलेखा के लिए सॉन्ग मायरी गा रहे हैं। इसके अलावा राजकुमार राव भांगड़ा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस वीडियो के साथ लिखा, हमारी शादी की ये सुहानी शाम उन लोगों के लिए गाएं जिन्हें आप प्यार करते हैं। कहते हैं गाना आए या ना आए, गाना चाहिए, खास तौर से जब वो अचानक से एक सिंगिंग सेशन बन जाए। हमें हमारे पसंदीदा हिंदी गीतों में से एक दो गाने देने के लिए सुपर टैलेंटेड बॉय तुषार जोशी को धन्यवाद। राजकुमार राव के वीडियो को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं और कमेंट्स भी कर रहे हैं। वहीं सेलेब्स भी वीडियो पर रिएक्शन दे रहे हैं। आयुष्मान खुराना ने खूबसूरत लिखा है, वहीं सिद्धांत चतुर्वेदी ने हार्ट इमोजी बनाया है। राजकुमार राव ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शादी की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा था, आखिरकार 11 साल के प्यार, रोमांस, दोस्ती और मस्ती के बाद मैंने अपनी सोल, मेरी सबसे अच्छी दोस्त, मेरा परिवार, अपनी सब कुछ से आज शादी कर ली। आज मेरे लिए आपके पति कहे जाने से बड़ी कोई खुशी नहीं है पत्रलेखा, हमेशा के लिए और उसके बाद भी।